हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल बीइंग अचल। एंड आज मैं शेयर करूंगी आप सभी के साथ कि आपको अपनी ऑयली स्किन को कैसे चेंज करना है नॉर्मल स्किन टाइप में। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो भी मैं टिप्स फॉलो करती हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि आप अपनी ऑयली स्किन प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मेरी भी स्किन जो है वो ऑयली है, बट मैंने भी थोड़ा बहुत उसको कन्वर्ट किया है नॉर्मल स्किन टाइप में। एंड जस्ट मैंने लिपस्टिक अप्लाई की है, उसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया है अपने फेस पे। वीडियो को शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका मैं आंसर करूँगी। तो देखिए, कैसे हम टेस्ट करें कि हमारी जो स्किन है वो ऑयली है या नॉर्मल स्किन है। आपने जो भी अपना फेस वॉश करना है, फेस वॉश आप कर लीजिए। देन आप अपना जो भी डेली रूटीन फॉलो करते हैं वो सब कुछ आप कर लीजिए। एंड उसके बाद आप 2-3 घंटे के बाद देखना आपकी स्किन जो है वो ऑयल प्रोड्यूस करती है या नहीं करती है। अगर आपकी स्किन जो है वो ऑयल प्रोड्यूस करती है तो आपकी ऑयली स्किन है, अगर नहीं करती है तो फिर नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन ये भी है, ऑयली स्किन वाले लोगों को बहुत ज़्यादा एक्ने एंड पिम्पल क्यों होते हैं? जो डस्ट एंड डर्ट एंड जो पॉल्यूशन की वजह से भी उनके जो पोर्स हैं उनमें जाके वो क्लॉक हो जाता है, उसकी वजह से भी हमें वो एक्ने पिंपल हो जाते हैं, जिससे कि आपकी स्किन ख़राब हो जाती है। एंड गाइस, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारी जो बॉडी है वो खुद का ऑयल क्यों प्रोड्यूस करती है। इसका आंसर ये है कि आपकी जो बॉडी है एंड आपकी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेट फील करती है, इस वजह से वो खुद का ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू करती है। एंड गाइस, आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, हमारी जो बॉडी है एंड जो हमारी स्किन है वो खुद का एक पीएच बैलेंस को मेंटेन करके रखती है, जिससे कि हमारी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड ना फील हो। ऑयली स्किन वाले लोग क्या करते हैं, जस्ट अपना फेस वॉश करते हैं एंड उसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। उनको कुछ भी नहीं लगाना होता है, कुछ भी अपने स्किन पे कुछ भी नहीं लगाना होता है। एंड कुछ टाइम के बाद वो देखेंगे कि उनकी जो स्किन है वो खुद का ऑयल प्रोड्यूस करती है। वो इसलिए करती है क्योंकि जो हमारी स्किन होती है वो खुद का एक पीएच बैलेंस को मेंटेन करके रखती है, इसलिए वो खुद ऑयल प्रोड्यूस करती है कि हमारी जो स्किन है वो डिहाइड्रेटेड फील ना हो। सो आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखना है, जिससे कि आपकी ऑयली स्किन की प्रॉब्लम इससे भी थोड़ा सा कम हो सकती है। सो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जिनकी हेल्प से आपकी जो स्किन है वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो चलिए जान लेते हैं। सो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन सा रूटीन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एक्ने की भी प्रॉब्लम कम हो जाए, ऑयली स्किन वालों की प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना फेस वॉश करना है। एंड हमें फेस वॉश 2 बार तो ज़रूर करना है, मॉर्निंग में एंड नाइट में। सोने से पहले भी हमें फेस वॉश ज़रूर करना है। फेस वॉश करने के बाद भी आपको जस्ट आपको मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना होगा। उससे पहले आपको क्या करना होगा, आप कोई सा भी टोनर ले सकते हैं, या रोज़ वाटर ले सकते हैं, जो भी आपकी स्किन को सूट करती हो वो आप लेके अपने स्किन पे अप्लाई कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपके जो पोर्स हैं वो भी टाइट होंगे। तो यहाँ पे मैं रोज़ वाटर ही यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा यही सूट करता है, तो इसलिए मैं सबसे ज़्यादा इसको यूज़ करती हूँ। सो आपको इस तरीके से इसको अपने फेस पे स्प्रे कर लेना है। ये आपके स्किन को क्लीन भी करता है एंड जो आपके पोर्स हैं उसको भी टाइटन अप करता है एंड ऑयल को भी ये बैलेंस करता है आपके फेस पे। एंड आपको ये बहुत ही अच्छा नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है एंड आपके फेस को हाइड्रेटेड भी रखता है। देन आपको उसके बाद अप्लाई करना है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र भी आप अपने स्किन के हिसाब से ही लीजिए, जो भी ऑयली स्किन वाले लोग हैं। बहुत ज़्यादा हेवियर क्रीम वाली आपको मॉइस्चराइज़र नहीं लेना है, ट्राई करिए जेल फॉर्म में लीजिए या आप सीरम भी उसकी जगह पे आप सीरम भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैं यूज़ करूँगी ये मामा अर्थ की मॉइस्चराइज़र क्रीम, जो कि हमारे स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज़ करती है। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको अगर सीरम यूज़ करना है तो आप ये गार्नियर की विटामिन सी सीरम जेल भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छी है एंड ये भी एक जेल फॉर्म में है, यह आपकी स्किन पे बहुत ही अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगी। ये एकदम जेल फॉर्म में है एंड इसमें कोई सा भी कलर भी नहीं एडेड है जो आपकी स्किन को डैमेज करे या ख़राब करे। मैं ज़्यादातर इसी को ही यूज़ करती हूँ। एंड जिन लोगों की बहुत ही ज़्यादा अगर सेंसिटिव स्किन है तो वो क्या कर सकते हैं, जो हिमालया की बेबी मॉइस्चराइज़र क्रीम आती है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो भी आपको सूट करे वो आप यूज़ करिए, बट मेक श्योर कि वो बहुत ज़्यादा हैवी क्रीम ना हो।
सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको लग रहा है कि कोई सी भी लेयर लगी है या बहुत ही ज़्यादा, नहीं ना, ये बहुत ही इजीली फेस पे अब्जॉर्ब भी हो जाती है। इस तरीके से हमारी स्किन होती है। नरिशमेंट एंड मॉइस्चराइजेशन, ये सब आपको टिप्स फॉलो करनी है, जिनकी हेल्प से आपकी स्किन जो है एटलीस्ट 50-60% नॉर्मल स्किन में कन्वर्ट हो जाएगी। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, एंड आज की वीडियो को एक थम्स अप ज़रूर देना। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिए, क्या पता उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो जाए। फिर मिलेंगे इसी तरीके की एक नई वीडियो में। बाय गाइज।